नमस्कार, मेरा नाम है अजीत सिंह। हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स, जिसके हम दो क्वेश्चन कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज एंड इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स। तो वेक्टर क्वांटिटीज का ट्रिपल प्रोडक्ट और उनके करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम। ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है। तो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल। दो तरीके से हो सकता है, दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल, एक तो अदिश राशि के साथ हो सकता है और एक सदिश राशि के साथ हो सकता है तीसरी। तो दो प्रकार से ट्रिपल प्रोडक्ट बन, और उसी को ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं या ट्रिपल गुणनफल, त्रिक गुणनफल कहते हैं। तो वो सदिश त्रिक गुणनफल और अदिश त्रिक गुणनफल दो चीज होती हैं। आइए देखते हैं क्या क्या होता है ये। तो ये जो है ट्रिपल प्रोडक्ट, या फिर त्रिक गुणनफल, ट्रिपल प्रोडक्ट या त्रिक गुणनफल, तो ट्रिपल प्रोडक्ट या त्रिक गुणनफल जो होता है दो वेक्टर, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, दो वेक्टर, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी का सदिश गुणनफल, का सदिश गुणनफल जो होगा वो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इस तरीके से होगा। एक सदिश राशि होगा, क्या होगा? एक सदिश राशि होगा, सदिश राशि है। अब इस सदिश राशि को जब हम तीसरे वेक्टर, वेक्टर ए के साथ गुणा कर दें, तब ये तिरिक गुणनफल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तिरिक गुणनफल। और तिरिक गुणनफल जो होता है वो दो तरीके से होता है। तो तिरिक गुणनफल जो होता है वो दो तरीके से होता है, जब हम दो वेक्टर बी और वेक्टर सी के सदिश गुणनफल को तीसरे वेक्टर ए के साथ गुणा कर दें तो इसका जो रिजल्ट होगा वो तिरिक गुणनफल कहलाएगा। और जो तिरिक गुणनफल है वो दो तरीके से हो सकता है। नंबर एक, सदिश त्रिक गुणनफल, नंबर एक क्या होगा? सदिश त्रिक गुणनफल। सदिश त्रिक गुणनफल मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और दूसरा कौन सा होगा? अदिश त्रिक गुणनफल, और ये क्या हो जाएगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दो तरीके से हो सकता है। तो दो तरीके से कैसे कैसे हो सकता है? इसमें वेक्टर बी है और वेक्टर सी है, जब हम इन दोनों की मल्टीपल कर देंगे किसमें? सदिश त्रिक गुणनफल में, यानी कि सदिश त्रिक गुणनफल में जब हम दोनों वेक्टर की मल्टीपल कर देंगे किसी तीसरे से, किसी तीसरे से, तो ये क्या बन जाएगा?
बन जाएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्या बन जाएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और जब हम वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी दोनों की मल्टीपल कर देंगे वेक्टर ए डॉट से, तो ये क्या बन जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक। ठीक है अब आगे देखते हैं। तो हम जान चुके हैं कि कैसे इसको लिखते हैं त्रिक गुणनफल को, ट्रिपल प्रोडक्ट को। आइए अब देखते हैं ये कैसे यूज होगा, कैसे किया जाएगा ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सबसे पहले करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि आदेश त्रिक गुणनफल क्योंकि जानते हैं सभी अदिश त्रिक गुणनफल जो होता है वो जब दो राशि होती हैं वेक्टर वेक्टर बी और वेक्टर सी, वेक्टर बी और वेक्टर सी को जब तीसरे वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाता है तो ये क्या कहलाता है अदिश त्रिक गुणनफल यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वेक्टर ए इक्वल टू लिखेंगे ए एक्स आई। पहले तो इसको एक्स वाई जेड डायरेक्शन में लिख लेंगे यूनिट वेक्टर के साथ, ए वाई जे प्लस का ए जेड के यूनिट वेक्टर। वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई प्लस का बी वाई जे प्लस का बी जेड के। वेक्टर सी इक्वल टू सी एक्स आई प्लस का सी वाई जे प्लस का सी जेड के यूनिट वेक्टर। सबसे पहले तो हमने तीनों को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लिया है, तीनों वेक्टर को एक्स वाई जेड डायरेक्शन के सापेक्ष। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले तो हम ये वाले दोनों सॉल्व करेंगे, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी और इसको हम जानते हैं कि किससे सॉल्व होता है ये मैट्रिक्स वाले मेथड से, आई जे के। किस किस वाले से सॉल्व होता है ये मैट्रिक्स वाले मेथड से। और साइन कैसे चलते हैं अल्टरनेट साइन, और यहाँ आई के साथ क्या आ जाएगा बी एक्स और सी एक्स, जे के साथ वाई वाले कंपोनेंट आ जाएंगे बी वाई और सी वाई, के साथ जेड वाले कंपोनेंट आ जाएंगे बी जेड सी जेड। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस का आई ब्रैकेट आई वाला छुपा लेंगे, इन दोनों की क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे बी वाई सी जेड माइनस का सी वाई बी जेड माइनस का जे कैप आ जाएगा, जे वाला छुपा लेंगे बी एक्स की सी जेड के साथ हो जाएगी मल्टीपल और बचा क्या सी एक्स की बी जेड के, सी एक्स की बी जेड के साथ हो जाएगी प्लस का के कैप, के वाला छुपा लेंगे बी एक्स सी वाई माइनस का बी एक्स सी वाई माइनस का सी एक्स बी वाई, सी एक्स बी वाई हो जाएगा। ये हो गया इसका प्रोडक्ट।
ये इसका जो है वेक्टर प्रोडक्ट हो गया हमारा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका थर्ड वाले के साथ कैसे किया जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया, बी क्रॉस सी इक्वल टू आई बी वाई सी जेड माइनस का सी वाई बी जेड माइनस का जे बी एक्स सी जेड माइनस का सी एक्स बी जेड प्लस का के बी एक्स सी वाई माइनस का सी एक्स डी वाई के कैप। अब आगे देखते हैं हम, इतना क्लियर हुआ? ये तो कल भी निकालना बताया था पिछले लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं, अब हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब हम निकालेंगे वेक्टर का ए डॉट बी क्रॉस सी। तो वेक्टर ए कितना था, ए एक्स आई कैप प्लस का ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड के कैप डॉट आ जाएगा हमारा आई, आई के साथ कितना था, आई के साथ था हमारा बी वाई सी जेड माइनस सी वाई बी जेड, बी वाई सी जेड माइनस का सी वाई बी जेड और माइनस का के साथ कितना था हमारा, के जे सॉरी माइनस जे के साथ था बी एक्स सी जेड सी एक्स बी जेड। बी एक्स सी जेड कितना था, बी एक्स सी जेड सी एक्स बी जेड। बी एक्स सी जेड माइनस का सी एक्स बी जेड और प्लस का के साथ कितना था, सी एक्स बी जेड और प्लस का के वेक्टर के साथ था बी एक्स सी वाई सी एक्स बी वाई। बी एक्स सी वाई बी एक्स सी वाई माइनस का सी एक्स बी वाई ये था। और इन सब का क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट। तो चूंकि हम जानते हैं आई डॉट आई इक्वल टू वन होता है और आई डॉट जे इक्वल टू जीरो होता है, आई डॉट के इक्वल टू भी जीरो होता है, यानी कि सेम सेम वाले जो होते हैं वही वन होते हैं, बाकी सब जीरो हो जाते हैं। तो इसमें भी सेम रूल लगाएंगे हम, क्या ए डॉट आई वाले के साथ कौन सा आई वाला डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगा और यही बचेगा, बाकी आई का जे के साथ जीरो हो जाएगा, आई का के साथ भी जीरो हो जाएगा इस वाले मेथड से। तो कितना बचेगा, आई डॉट आई वन हो जाएगा, कितना बचेगा ए एक्स बी वाई और सी जेड। ए एक्स के साथ क्या बचेगा, बी वाई सी जेड माइनस का सी वाई बी जेड और फिर क्या आ जाएगा हमारा प्लस का, फिर क्या आ जाएगा हमारा जे डॉट जे। माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, तो ये माइनस का आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा ए वाई बी एक्स सी जेड माइनस का सी एक्स बी जेड और आ जाएगा हमारा ए जेड। ए जेड के साथ क्या आ जाएगा, बी एक्स सी वाई माइनस का सी एक्स बी वाई। ये आ जाएगा हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट। तो
कौन सा ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया ये हमारा, ये हमारा आ गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बाई के ए वाई के जे जे वाला बचेगा केवल, जे का आई के साथ जीरो हो जाएगा, के साथ भी जीरो हो जाएगा, सेम जेड ए जेड का, ए जेड का के वाले के साथ बचेगा केवल, और बाकी के का आई के साथ जीरो हो जाएगा, के का जे के साथ जीरो हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट, क्या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, तो अब आगे बढ़ते हैं फिर। ये हमारा फाइनल आ गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी, क्या ए बी सी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम इसको, ए बी सी के फॉर्म में, और किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको, और लिख सकते हैं हम इसको ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम मैट्रिक्स फॉर्म में, और हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, और हम लिख सकते हैं इसको B डॉट C क्रॉस वेक्टर A के फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इसमें हमारा आ जाएगा BCA, क्या आ जाएगा इसमें हमारा BCA, BCA इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और B वाला ले लेंगे सबसे ऊपर BX BY BZ, फिर कौन सा C वाला CX CY CZ, और फिर AX AY AZ, मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि वेक्टर A डॉट वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A जो है वो इज नॉट इक्वल टू होता है वेक्टर B डॉट C क्रॉस वेक्टर A के, यानी कि जब हम इसको इसका क्रम चेंज करेंगे, जब हम इसका क्रम चेंज करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में, यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है, क्या पालन नहीं करता है ये कम्यूटेटिव लॉ का, क्योंकि साइन कौन सा आ गया नेगेटिव साइन, ठीक है, तो नेगेटिव साइन इसमें आ जाता है, ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसके करेक्टरिस्टिक देख लीजिए, अब इतना क्लियर हो गया, तो अब इसके करेक्टरिस्टिक देखते हैं, करेक्टरिस्टिक्स में क्या है, सबसे पहले ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है, किसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, वितरण का नियम, क्या होता है वितरण का नियम, तो ये वितरण के नियम का क्या करता है, पालन करता है, तो वितरण का नियम क्या हो गया, वेक्टर ए कॉमा, वितरण का नियम क्या हो गया, वितरण का नियम हो जाएगा ए बी प्लस डी सी प्लस ई, यानी कि वेक्टर ए ले लेंगे B प्लस डी ले लेंगे C प्लस ई ले लेंगे, वेक्टर A B प्लस डी
और वेक्टर सी प्लस ई। ये इस तरह से है, ठीक है। तो इस तरह से इनको जब हम लेंगे तो आ गए, ये क्या कैसे लिख सकते हैं हम इनको, ए बी सी। हम इनको लिख सकते हैं ए बी सी, ए बी ई, ए डी सी, ए डी ई, यानी कि ए बी सी। क्या लिख सकते हैं हम इनको, ए बी सी। सबसे पहले तो ए बी सी लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं, प्लस ए बी ई। प्लस में क्या लिख सकते हैं, ए बी ई। प्लस में लिख सकते हैं ए बी ई, और ए बी सी, ए बी ई, और क्या लिख सकते हैं हम इसको, प्लस ए डी सी, ए डी ई। प्लस ए डी सी, प्लस ए डी ई, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट हमारा कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का करेक्टरिस्टिक हो गया जो फॉलो किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का करेक्टरिस्टिक हो गया ए डी सी, ए डी ई। वेक्टर ए है, वेक्टर बी प्लस डी है, वेक्टर सी प्लस ई है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, ए बी ई, ए डी सी, ए डी ई। और तीन जो सदिश हैं ए बी सी, अगर एक ही तल में होंगे या कोप्लैनर होंगे तो उनका अदिश त्रिक जो होगा वो अदिश त्रिक गुणनफल वो शून्य होगा। दूसरा क्या है करेक्टरिस्टिक, यदि तीन वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी को प्लैनर हैं। कैसे हैं, को प्लैनर यानी एक ही तल में हैं, एक तलिए हैं, एक तलिए हैं, को प्लैनर हैं, तब तीनों का, तब तीनों का जो अदिश त्रिक गुणनफल है क्या, अदिश त्रिक गुणनफल जो है वो क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। क्या हो जाएगा ये अदिश त्रिक गुणनफल, ऐसी कंडीशन में जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। किस कंडीशन में, कोप्लैनर कंडीशन में। किस में, कोप्लैनर कंडीशन में। जब तीनों वेक्टर कोप्लैनर होंगे तो इनका जो अदिश त्रिक गुणनफल है वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, तीसरा क्या है इसका, तीसरा करेक्टरिस्टिक है कि यदि तीन में से दो सदिश समान हो तब भी गुणनफल शून्य होगा। यदि तीन वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी में कोई दो वेक्टर समान हैं, कैसे हैं, समान हैं, तब भी क्या होगा, तब भी इनका अदिश त्रिक गुणनफल क्या होगा, शून्य होगा। गुणनफल कैसा होगा, शून्य होगा। कैसा होगा अदिश त्रिक गुणनफल, जीरो, ठीक है। जैसे कि ये हो गया ए ए बी, और क्या हो गया ए बी बी, और क्या हो गया ए सी सी,
इस तरह से हो जाए, ए सी सी हो जाए या सी बी सी हो जाए, बी सी सी हो जाए, सब कैसा होगा? जीरो हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, चौथा है, चौथा करेक्टरिस्टिक क्या है इसका? एकांक सदिश के लिए यानी यूनिट वेक्टर के लिए, यूनिट वेक्टर क्या है? आई जे के, फॉर यूनिट वेक्टर आई जे के, फॉर यूनिट वेक्टर आई जे के आई जे के आई के आई जे इजकल टू कितना हो जाएगा? वन। कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके लिए लेक्चर टू देख लीजिए, लेक्चर टू में ये अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, अब इसका जो है सेकंड पार्ट रह गया। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि सदिश त्रिक गुणनफल। तो सदिश त्रिक गुणनफल कैसे लिखा जाएगा? तीन सदिश राशियों का सदिश गुणनफल जो होगा वो ए क्रॉस बी क्रॉस सी द्वारा। तीन सदिश राशियों, सदिश ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का सदिश गुणनफल जो होगा वो सिंपल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी से लिख दिया जाता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी से, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी ये लिख दिया जाता है। अब इसका एक एप्लीकेशन होता है, क्या होता है? वैसे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी जो है वो इज इक्वल टू हो जाता है वेक्टर का ए डॉट सी बी, वेक्टर ए डॉट सी बी माइनस का ए डॉट बी सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और सी, ये दोनों इक्वल ही आते हैं। ठीक है, ये जो है इक्वल होता है एक्सप्रेशन। अब इसके करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं, इसका सिंपल है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, पहले जो है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी को हम लिख सकते हैं कैसे? मैट्रिक्स फॉर्म में, एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई और सी जेड, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। ये प्लस माइनस प्लस साइन चलता है, तो ये भी कंफर्म हो गया होगा।
जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो दोनों का आंसर जो है वो सेम आता है। जब न्यूमेरिक वैल्यू लगा के इसकी और इसकी दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, इसलिए ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल होते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके। नंबर एक, पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। दिस इज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, यानी कि क्रम विनिमेय नियम, क्रम चेंज कर देंगे तो इक्वल नहीं होगा। क्रम विनिमेय नियम में क्या हो जाता है, ये हम पीछे भी देख चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी बता चुके हैं, क्योंकि बिकॉज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जब इसका क्रम चेंज होता है तो क्या हो जाती है, डायरेक्शन चेंज। क्यों हो जाती है डायरेक्शन चेंज, क्योंकि डायरेक्शन इसकी किससे निकाली जाती है, राइट हैंड स्क्रू रूल। और जब राइट हैंड स्क्रू रूल को जब इसके जो वेक्टर है वेक्टर का क्रम चेंज कर देंगे तो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जिससे कि साइन कौन सा आ जाता है, माइनस का। तो माइनस के साइन की वजह से ये जो है इक्वल नहीं होते, ठीक है, इक्वल नहीं होते हैं। ये इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इसका, ये एसोसिएटिव भी नहीं है। क्या नहीं है ये, इट इज नॉट ओबे एसोसिएटिव लॉ, इट इज नॉट ओबे एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ को भी ओबे नहीं करता है। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ ये गुणनफल एसोसिएटिव भी नहीं है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ए क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी कि ये इस तरह से होता है एसोसिएटिव। तो ये एसोसिएटिव भी नहीं है, यानी कि ये भी क्या नहीं है, नहीं है, नॉट ओबे, तो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं, पता ही है। और जब इतना चेंज करेंगे हम ये वाली ब्रैकेट को इधर दोनों को पहले कर लेंगे उसको बाद में, तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, तो इसलिए ये नहीं करता है। और ये हमारा होता है थर्ड क्वेश्चन फिनिश। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट के साथ। नेक्स्ट लेक्चर से अगली यूनिट स्टार्ट होगी जिसका नाम है वेक्टर कैलकुलस यूनिट सेकेंड। यूनिट फर्स्ट यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। थैंक यू।